माता रानी, माता रानी बस यूं ही कृपा बनाए रखना, जैसे ये 9 दिन निकले बस माँ कन्याओं को अब खिला के व्रत पूरा करती हूँ। आनंदिया बेटा, ये जरा नारियल फोड़ के दे दे पापा से बोल। ठीक है मम्मी, मैं फोड़ देती हूँ ना। बेटे हमारे यहाँ नारियल लड़कियाँ नहीं लड़के फोड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? तेरे क्यों का जवाब ना मैं बाद में दूंगी, अभी बहुत लेट हो रही है और कन्याओं को भी बुलाना है और उन्हें खिलाना है। लाओ दो पापा, ये नारियल फोड़ दो। ला बेटा। हाथ कंजक है। हाँ तो तू जल्दी रेडी हो, चलते कंजक बनाने। लाइक हम कंजक खाने जाएंगे, हम कहीं से लग रही हैं छोटी बच्चियां। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, फ्री का खाना मिलता है, पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, चल लेते हैं ना। चल ठीक है, एक बात तो तेरी बात मान भी ले, लेकिन किस एंगल से हम कंजक वाली कन्याएं लगते हैं? तो बन जाते हैं ना। ये पहन लिया हम लोगों ने बच्चे वाले सूट्स। मैंने तो डांगरी पहन ली। तो अंगूठा और चूस लो। ये बन गई हमारी चोटिया। तलो दीदी क्लिप्स भी लग गई, अब तलो ताना ताने तलते हैं। आती से तलो। ये क्या लास्ट नवरात्रि के छोले पूरे हैं क्या? इतने सूखे हैं। एक काम करो आंटी, आप इन्हें ना पैक कर दीजिए, हमें और भी घर में जाना है। हाँ डब्बे लेके आती हूँ। अभी बबीता आंटी और सरिता आंटी के घर पे जाएंगे ना, वहाँ पे बहुत अच्छे छोले पूरी, गिफ्ट और पैसे भी मिलते हैं। ये लो बेटा, एक लो बेटा। खाना भी सूखा सूखा, पैसे भी सूखे सूखे। चलो कितना खाओगी? ₹50 भी नहीं हुए मेरे तो। कैरेक्टर में आ जाओ आप। तेरा ही आइडिया था ना, इतने तो मम्मी के ना चावलों के डब्बों मिल जाते हैं। कैसे सुल हो गए हैं? हमारी मम्मी को देखो, है ना मम्मी? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये ले बेटा ₹5। आंटी ₹5? बेटे पहले तो हम 2 रुपए देने वाले थे, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई है ना, तो सोचा 5 रुपए दे दे अच्छा लगेगा। चलो हमें कम से कम 10 तो मिले। ठीक है बेटा, चॉकलेट खा लेना। और तुम दोनों लग जाओ काम पे, और भी कन्या आने वाली है। जादू खाना लगा, मैं दरी लगा लेती हूँ। हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि तो आने ही वाली है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को माता रानी की कृपा से बहुत सारा सब्सक्राइब आप भर के कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो चलो अब ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो एंजॉय करते हैं। ओहो इस बारी तो बड़ी कंफ्यूजन है, हर फेस्टिवल 2 बार ही आ रहा है, होली भी 2 बार थी, गणेश जी ने भी कंफ्यूज किया और नवरात्रे तो एक कैलेंडर से पता ही नहीं चल रहा। एक बार ये टीवी से देख लेती हूँ। जय श्री अम्बे। तो आज के समाचार में हम थोड़ा सा बात करेंगे। मम्मा ये कैलेंडर छोड़ो और बताओ खाने का क्या सीन है? रुक जाओ। ओ दिल दी बातें पूछो तो मैं जरा। देख उसे भी पता है कल से नवरात्रे, ना तो नेल्स कटेंगे। नहीं मुझे तो नहीं पता था, वो तो आपने रुक जा बोला तो मैंने गाना आगे कंटिन्यू किया। वो ये थोड़ी ना स्मार्ट है। अरे पहले ये सुनने दे मुझे। पर इस वर्ष 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ये जो अम्बे माँ के व्रत हैं, 9 दिन करने से आपकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आप विधि विधान से कल से नवरात्रे, ना तो नेल्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, ना बाल कटेंगे, नहीं कटेंगे। कल से नवरात्रे और मेरा फास्ट है, तो तुम लोग मेरी हेल्प कर लेना, नहीं तो शाम तक मेरा बड़ा बीपी लो हो जाता है। चलो बाकी तैयारी भी करनी है। मम्मी इस बार ना मैं भी फास्ट रखूंगी। इस खुशी में एक टाइम तो आपसे भूखा रहा नहीं जाता। ऐसे व्रत का क्या फायदा जिसमें पेट में भूखो और माता के दर्शन के अलावा मोमोज के दर्शन हो रहे हो। बिना व्रत के भी भक्ति हो सकती है। पूरे दिन घर पे थूसेगी और सबको जा जा के बोलेगी कि मेरा व्रत है, मेरा व्रत है।
अरे तुम दोनों का नाम ना बबली और अनंतिया ना होके आस्तिक और नास्तिक होना चाहिए था। और बबली बेटा तू तो रहने दे, देखो दिन भर कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तेरे से व्रत नहीं रखा जाएगा। मैं तो रखूंगी इस बार के व्रत, मैंने सुना है कि नवरात्रि के व्रत रखने से ना सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुन रोमांटिक सॉन्ग ना मेरी प्लेलिस्ट में, मेरे को सब पता है ये फास्ट क्यों रखा जा रहा है। क्यों रखेगी फास्ट? रोहन के लिए बोलू मम्मी को रोहन और तेरे बारे में। रोहन, चुप होने की कीमत है। क्या चाहिए? KFC का चिकन बर्गर। माता रानी सब देख रही है। दो KFC के चिकन बर्गर। ये दादागिरी है। दो चिकन बर्गर और चिकन पेरी पेरी। अबे तेरी? ओके मेरी माँ डन है। हाँ अब जाओ ऑर्डर करो, यहाँ पे का बैठी हो। मैं तो चिकन खाऊंगी। ये क्या कर रही हो? मेरा KFC का ऑर्डर कहाँ है? आज के लिए थोड़ा बोला था दीदी, मेरे साथ ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखा। कल से नवरात्रि है, बच्चा बच्चा जानता है कि नवरात्रि में चिकन खाने की तो दूर है बात, नाम भी नहीं ले सकते, नहीं तो माता रानी पाप देंगी। बेचारे हमारे पापा को ही देख लो, कल उन्हें इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, बट हमारी माता रानी यानी कि हमारी मम्मी के डर से आज रात को ही शेव कर रहे हैं। बस बस और ज्यादा ज्ञान मत दे, कर रही हूँ ऑर्डर। घास फूस का खाना एक तरफ, जीवन के सारे सुखों का अनुभव लाने वाला ये KFC का बर्गर एक तरफ। चलो मैं तो किसी तरह काम चला दूंगी, बट बेचारी घूमेगा क्या? यार डांडिया नाइट के ना दो और पार्सल करवा दे, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को अकेले नहीं आने देंगी ना, मेरे को मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड को भी लेके आना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड? मेरी बड़ी बहन बबली। दो पास, एक भी पास आस पास भी नहीं है। अरे अपने पापा को बोल सब होगा, किस बात के वो मंत्री हैं? क्योंकि वो पास के जुगाड़ लगाएंगे, और मैं डांडिया नाइट में तेरे लिए रोहन की। अब तो करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। चल होल्ड कर, हाँ पासेस चेक कर, सेंड कर दिए। काम तो डन हो गया, बबली दीदी को बताती हूँ। दीदी ये देखो डांडिया नाइट के दो पासेस मिल गए। ये सड़े पपीते की तरह के मुंह बना रखा है, बहुत वीकनेस लग रही है और बीपी भी लो है। क्यों? क्योंकि व्रत रखे है ना, तो मैं नहीं जा पाऊंगी डांडिया नाइट के लिए। चल कोई नहीं, फिर मैं रोहन को भी मना कर देती हूँ कि मैं और तू नहीं आ पाएंगे। अच्छा लग रहा है, लगता है मैं जा सकती हूँ। हाँ तब आप जाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बट एक प्रॉब्लम है। क्या? आपको मेरे को डांडिया सिखाना पड़ेगा। नहीं, तुझे और डांडिया, भाई तू मुझे पागल कर देगी, मैं नहीं सिखाने वाली। ठीक है फिर मैं रोहन को कैंसिल कर देती हूँ। मैं ये बोल रही थी तुझे डांडिया ऐसे चुटकियों में सिखाऊंगी। ये प्रैक्टिस के लिए लहंगा क्यों पहन रहे हम? फील आएगा ना, चल डांडिया उठा। देख मेरा फास्ट है, ऑलरेडी वीक फील कर रही हूँ। देख सिंपल है ये, घूमो। क्या कर रही हो? एक साइड तो बताओ, ऐसे ऐसे थोड़ी ना करूंगी। ऐसी तो बता रही हूँ, मुंह में घुसेड़ दे मेरे, पागल है क्या? लो क्या कर लोगी? देख मैं नहीं सिखाऊंगी, इतना इरिटेट कर रही हूँ, चल कैंसिल करा दूंगी उसका। प्यार से पार्टनर के साथ दर, दर, दर। दूसरा स्टेप भी करना होता है, कभी बहन है मेरी। चिल्लाओ मत, राउंड और फिर Thank you.
सिखाते सिखाते मेरी एनर्जी खत्म हो गई। आपको खुद तो करना नहीं आता, मेरे को सिखाने चली थी। इससे अच्छा तो फिर मैं YouTube से ही सीख लेती। छुट्टी का दिन है, सोने दो ना। देख अपनी बहन को, सुबह नहा के भी आ गई और व्रत भी रखा है और तू अभी तक उठी भी नहीं है। अरे यार क्या है अनंतिया? अनंतिया मैं प्यार से बोल रही हूँ बेटा, उठ जा और नहा के आ, क्योंकि आज नवरात्रि है, बिना नहाए तो मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं होगी आज। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना। मैं ये ले बेटे, तेरा व्रत है ना तो दूध और केला। और अनंतिया आपके लिए मैंने बनाया है आलू का पराठा। आय हाय हाय हाय, गर्मा गर्म आलू के पराठे और बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा बटर गया मेरे गर्मा गर्म पराठों पे। आय हाय हाय हाय, मेल्ट हो गया, कितना यम्मी लग रहा है। और एक मैंने बाइट ऐसे तोड़ी और फिर उसी बाइट को, आय हाय कितने गर्म है पराठे, डाला मैंने अपनी दही में। आपको अच्छी लगती है ना दही पराठे? आ हा 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 हा, इससे अच्छे पराठे तो मैंने कभी नहीं खाए अपनी जिंदगी में। बात क्या मिलेगा खाने को? बेटे आपने व्रत रखा है ना, व्रत में बार बार मुंह झूठा नहीं करते हैं। एक टाइम खा लिया, अब सीधा शाम को मिलेगी साबुत दाने की खिचड़ी, वही खानी है। सीधा शाम को। वैसे व्रत है तो मम्मी जैसा व्रत मत रखो, नहीं तो आपको बाबा जैसे संस्कारी कोई मिलेगा। अगर आपको रोहन जैसा कूल डूड चाहिए ना तो देखो, इतनी भी बुरी बहन नहीं हूँ मैं। मेरे पापा से बोल के व्रत के सारे स्नैक्स मंगवा लिए हैं। ये देखो पेठा, ये लाइक के लड्डू, आलू चिप्स, ये ड्राई फ्रूट्स और साबुदानी की चिप्स। एंजॉय कर मेरी बुक्कड़ बहन। वैसे तो इतनी बुरी नहीं है। मैंने चिप्स तो खा लिया लेकिन मुझे पाप तो नहीं चढ़ेगा ना? दीदी पाप तो चढ़ेगा, क्यों नहीं चढ़ेगा? बट कहते हैं माता रानी ना बच्चों को माफ कर देती है। हाँ पर आप तो अब बच्चे भी नहीं रहे, अब तो आप कॉलेज में हो, 18 प्लस हो, आपको तो पाप पक्का चढ़ेगा। बट लेकर तू आएगा ना ये सब, तो पाप तो तुझे भी चढ़ेगा। एक काम करेंगे, अम्मा की पूजा के बाद ना हम लोग माता रानी से माफी मांग लेंगे। वैसे भी कहते हैं कि माता रानी सारी गलतियां माफ कर देती हैं। सॉरी माता रानी। चलो अब रूम में चलते हैं, पहले मम्मी देख ले और कौन सा केक कर ले। वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई है रसिया। आप से बता रही हूं। अगर आपको अनंतिया के नवरात्रि स्पेशल और भी वीडियोस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना।